नाम सांग ना छोटा नहीं है और तुम बीच में हाँ बोल लो कहे काय नाम आये थे दीमा मौसी है हाँ तेरे का आइला मारो मुझे के लिए होती अन ये काय दुश्मनी काय ना अन कहाँ से करे कौन से खबरस्तान ये शमशान से जादू कर कौन से एरिया का था वो उटल्ला उटल्ला अच्छा कितनी वक्त डाला इसके ऊपर जादू करके कितनी टाइम डाला आई से जीव घे म्हणले हां आई से जीव घे म्हणले आणि हे राणीला कशामध्ये खाऊ घातले होते काय जेवण होता ते आता जादू केलं तर काय नाव आहे त्याचं नाव काय कुठं राहते ते अच्छा त्यांच्या घरा बाजूलाच आहेत का काय म्हणले तुला इथे आईला आजचा जीव घे म्हणले ते पोरगीचे हे और काय म्हणले और काम करू नको लागले और आईचा राग आणू लागले विचारांना मारायचे आईला हां और अब तू उसको बरोबर तावीज का पाणी पीने देंगी हां तू बरोबर सुची राग जलाने देंगी अब पलंग बैठ के खाएंगी नहीं घर में सताएंगी नहीं अगर सताएंगी और उसके माँ की जान लेने की तैयारी कर तो हाथा काट दूंगा तेरे को चल तो बातों कर मुंह पे हाथा मार के दूंगा तो बातों मन जोर से खड़े रह के ले रहे तो बातों कर बरोबर हाँ इधर से आ रहे हैं पड़ी नहीं ना पड़ा हाँ ना निकल रहे कड़ी है ना तो ये जो मसला चल रहा है इसके आंग में छोड़े आला था तो उसको क्या एक रुकराई नाला अब ऐसा था तो उसकी जो दास्तान है कौन छोड़े क्या छोड़े उनको मालूम है उसको एकदम खाली बच्ची को क्या हो रहा था पागल के जैसा होकर घर में पंखा बंद कर पागल के जैसा होकर घर में खाली किरकिरिया झगड़े खाली माँ की दुश्मन बनी माँ कुछ मारना माँ कुछ मारना उसको ऐसा हो रहे थे फीलिंग आ रहे थे और क्या क्या तमाशे हो रहे थे भागना ऊपर छत पे जाके दूसरे घर पे उड़िया मारना पर्ची मेरे यहाँ से हुई पर्चा फेंक के मारना फेंक के मारना ऊपर जाके फिर उसके बाद में इससे पहले कभी घर पे हाजिर होकर सवाल जवाब हुए नहीं 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 नाम निकला कभी नहीं नहीं आज बार रे काय कुछ भी बताया मैं 2 साल से ना मार दूं 12वीं पास हो गई कि हो गए हां बड़े भाई नहीं जी मेरे ये जो है तो वो जो भी नाम निकला मुझे तो पता नहीं कौन है क्या है ना उनको पता था दास्तान किसने करा क्या करा था मगर वो दूसरी चक्कर में उन्होंने पहली चक्कर में आए थे पहली चक्कर में क्योंकि शैतान और वार और जादू टोना सब अलग अलग किस्म का था उसने बयान किया कि वहाँ कुछ सिड़को क्या हड़को क्या बोला उसने हड़को सिड़को हड़को बोला वहां से बोले शमशान के पास से वहां से कंकर मंदिर की क्रिया चलाए कौन चलाए क्या चलाए वो तो सब अंदर नाम रिकॉर्ड होगा बयान होगा वो शैतान ने बोला ने जो भी सामने आके बोल दिया क्या बोला उसने उसका उद्देश्य क्या था उसको छोड़े क्यों थे उसके आंग में ये बोल के करे थे कि उसकी माँ की जान ले लेना तड़पा तड़पा के लड़ लगे और उन्हें बरोबर उसकी माँ कुछ मारती थी झगड़े होते थे दिन भर खाली किरकिरा हाँ चालू चलते हो खाली माँ पे हमले उसकी माँ को मारना चालू चलता देखो उनके सिर को मार दिखता पूरा चालू चलता मारना मारना कौन मार रहा क्या मार रहा क्यों मार रहा ये लोग तो समझ रहे थे कि बच्ची मार दी गई मगर असल बात अब सामने है कि वो बच्ची नहीं मार रही थी ये अंदर की बलाएं तमाशे करते आया ना समझ में और उसको मेंटली तो उसको बीमारी और उसको टाइफाइड यानी कि बुखार हुआ था बार बार और जब आंग में कोई बला या कोई शेर रही तो शाम का वक्त आने लगा कि वो बुखार आना चालू हो जाता उसको पेशेंट ये सब बलाएं हरकतें करते दूसरी बात खिला के करके उन्हें जादू करी को खुद बहुत लगे लाने था अभी तो सामने आके बयान कर दिया ऐसी बीमारी बल्कि उसका रिपोर्ट नॉर्मल आया टीबी की टीबी कर लॉकडाउन में उठते रिप्लाई करे तो पूरा नॉर्मल इतने की दासो फुल चूड़ी होती है 12वीं पास हो गई कॉलेज एडमिशन कर कॉलेज बंद हो गया इसका जब से बंद कर दी और ये जो है पढ़ाई भी बंद कर दी उसकी उसे पढ़ाई में भी दिल्ली मांगने लगने लग रहे कुछ नहीं किया नहीं और ये सब तो लोग समझ रहे होंगे कोई बीमारी थी क्या मसला है कुछ समझ रहे नहीं कि इसको पहली बार यहाँ लाए सामान उनको कुछ लिखा के दिए दुकान पे से उन्हें घर पे ले जाके अमल करके अब दूसरी बार में आते पकड़ लिया आग में पकड़ के सामने बता दिए कौन कर रहा क्या कर रहा कब्रस्तान से नहीं उन्होंने शमशान से क्रिया चल रही बोल के बयान करा सीढ़ को बयान करा अंदर की जो बला है शय है उसने सारी दास्तान नाम वाम सब बयान कर दी अब तो ऐसी दास्तान रहती है हर जगह जहाँ दवा गोली कार नहीं करती तो वहां समझ जाना कि जरूर कोई दूसरे दुनिया की शक्ति आके परेशान कर रही या कोई दूसरे वार चल रहे जादू टोने के क्योंकि दवा गोली और मेडिकल साइंस तुम्हारी किसी भी बीमारी को राइट कर देता मगर वो बेचारे लोग डॉक्टर वो दवा गोली तुम अब कहाँ से राइट करेंगी
शैतान और जादू टोने को, उन्होंने वहां तक अभी पहुंचे नहीं। उन्होंने तुम्हारे खोज करे कैंसर की, खोज करे तुम्हारे एक्स वाई जेड, शुगर, बीपी, दमा, अस्थमा सब वो राइट करेंगे। दिमाग निकाल के दूसरा दिमाग बैठेंगे, दिल निकाल के दूसरा दिल बैठेंगे, मगर उन्होंने जादू टोना नहीं हटा सकते ना। वहां तक उनका रिसर्च नहीं, मानो वहां तक सोचित नहीं, पहुंचित नहीं, वहां तक तरक्की नहीं हुई। जब वहां तक पहुंचेंगे, जब वो मशीन बनेंगे, उसके बाद पता चलेगा। मगर जब तक तो लोग कहां देंगे? मेडिकल साइंस तुम्हारी सारे बीमारियां राइट कर देता। तुम्हारी बार बार दवा गोली खाने के बाद बीमारी राइट नहीं हो रही, बार बार तुम्हारी सेहत राइट नहीं हो रही, तो समझ जाना है कोई दूसरा खेल चल रहा तंत्र मंत्र का, और वो वहां हल नहीं होने वाला है। उसको स्पेशल उसके जगह पे जाके हल कराना पड़ेगा, तो हलूंगा अल्लाह वालों के पास, बुजुर्गान दीन के पास में, लोगों के पास जाएंगे तो वो कटेंगे चीजा। ये सब बहुत सारी बातें हैं, बदला कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं ये तुमको इसलिए बताता और इसलिए एक्सप्लेन कराता कि मेरे पे वाजिब है तुमको बोलना। अगर मैं तुमको नहीं बोलूंगा तो तुमको पता कैसा चलेगा? और डुप्लीकेट तो इतने भर के बैठे आले है कि बेवकूफ बनाते, पैसे खा लेते, तुम्हारे इकोनॉमिक कंडीशन से भी कमजोर कर देते, और तुम्हारे जाना भी ले लेते लास्ट में, क्योंकि आता जाता कुछ नहीं। वो कैसा है, वो छू करूं क्या, छा करूं, कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, वैसी बात हो जाती है लोगों की, और खा के तुम्हारे बर्बाद कर देते, असल जगह मिलती नहीं। तो इसलिए बार बार मैं तुमको इसलिए ये सब बातें समझाता कि तुम्हारे भी थोड़ा बहुत इल्म रहना है सब बातों का, क्योंकि तुम बीमारी को बीमारी के जगह पर राइट करो, और वबाओं को वबाओं के जगह पर ले जाकर हटाओ, बलाओं को, ये सब चीजों को। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सब अमल करने की तौफीक दे। और क्या बयान करूं मैं, बस इतना। कौन से आए थे? नांदेड़ के पास से आए थे, वहां बहुत सारे दास्तान बयान कर दिए। तो खैर अमल करो, अल्लाह करम सब राइट करा देते। ठीक है, चलो।